तकरीबन 10 बजे के करीब में मुझे हमारे मुतल्लिब भाई का फ़ोन आया कि यार एक बच्ची ने पॉइजन ले ली थी और वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो वहाँ पर डॉक्टरों ने उसको शायद मुर्दा घोषित कर दिया। तो मैं इनको बोला कि ठीक है, आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? तो इन्होंने बोला कि हाँ, हमने पावर वाले पुलिस स्टेशन को उस दिन कल के रोज़ बोला था, कल पॉइजन ली थी, आज उसका इंतकाल हुआ। फिर मैं पावर वाली पुलिस स्टेशन में हमारे नाजिम शेख साहब है एपीआई, अपना पीएसआई, उनको फ़ोन करके एम्बुलेंस मंगा के इनके पास एम्बुलेंस भेज के प्राइवेट हॉस्पिटल से डेड बॉडी अभी हम लोगों ने सिविल हॉस्पिटल लाई, और सिविल हॉस्पिटल लाने के बाद जो भी उसका पुलिस का पंचनामा इनकेस वगैरह होता है वो भरवाने में हमने काफ़ी सारे सोशल वर्करों ने मदद की, और मदद करने के बाद अभी 10 से 15 मिनट में पीएम वगैरह होने के तुरंत बाद उनके घर वालों के ताबे में डेड बॉडी दे दी जाएगी। बाकी ये महिला वाले आप लोगों के सामने है, ये महिला वालों को इस बात का इल्म है कि क्या हुआ था, हादसे की वजह क्या है। मेरा नाम आफरीन शेख कासिम है, मेरी बहन थी, मेरी बहन का नाम आसिया है, वो शमीम है, अंसारी नाम है उसका। वो है ना, बहुत हम लोग को परेशान किया, 3 साल से हम लोग का जीना आराम कर दिया है। वो हम लोग को कहीं भी नहीं निकलने देता, रास्ते में जाते तो रास्ते में पकड़ता है, धमकाता है, बहुत हम लोग उसको जेले बहुत ज़्यादा। मेरे अब्बू अम्मी को तक, वो मेरी अम्मी को तक मारा है वो लड़के ने, पूरी गली के सामने, कोई कुछ नहीं किया था। मेरी अम्मी जब वो मारे थे तो मेरे अब्बू को भी घर में घुस के मारे लोग ने जुमा के दिन, मेरी अम्मी को भी मारे, मेरी बहन को भी मारे उन लोग ने, सबको मारे, मेरी बहन को इतना मारे, टॉर्चर किए, तो बेचारी का आज इंतकाल हो गया। कैसे, क्या उसको मारे क्या, टका भी नहीं, सब ब्लैकमेल करता था, रास्ते में पकड़ के आधी आधी रात को पत्थर मारता था खिड़की में, आधी आधी रात को चिल्लाता था, आवाज देता था और भाग जाता था, ऐसी पूरी गली भराता था। इससे इतने बदनाम कर दिया था मेरी बहन को बहुत ज्यादा। वो किस तरह में क्या, फिर उसके बाद उसको गली में जब वो सब 3-4 जो 8-15 पता नहीं कितने सारे लोग थे, पता नहीं कौन कौन थे, बहुत सारे लोग थे, वो सब आए, मेरी बहन को मारे, मेरे अब्बू को मार रहे थे, सबको मार रहे थे, इतनी दादागिरी थी उन लोगों की, बहुत ज्यादा थी। तो मेरी बहन का पता चला आज उसको खुंडेज में, आज रिपोर्ट आई कि उसके पूरे जिस्म में जहर था, उसने चूहे की दवा खा ली थी, टेंशन से कि मेरे माँ बाप की बदनामी ना हो, इतना परेशान किया था वो, उसने जहर खा के आज मर गई है। मुझे बस इंसाफ चाहिए, उन लोग के पूरे घर वालों को अंदर डालो, उन लोग कोई भी उसकी काली नहीं लेता था, वो लड़के को इतना हम लोग को घर पे जाके बोले, कोई भी नहीं सुनता था हम लोग की बात, हम लोग उसके घर रो के आए कि मेरी बहन को मत सताओ, इतनी कमजोर थी, 20 साल की उम्र थी उसकी, बहुत ज्यादा कमजोर थी, और उसको इतना टॉर्चर करते थे कि उसको टॉर्चर की वजह से झटके आने लगे थे, उसको 2-3 बार झटके आ गए उसके टॉर्चर के, इतना सताता है, बहुत ज्यादा परेशान किया उसने। अब तक मेरे अबू ने, हम लोग ने एक बार केस भी किए थे उस पर, तो कितने सारे लोग थे वो सब बोलने लगे कि केस वापस ले लो, नहीं लिया ना तो तुमको पूरी गली में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, तो मेरे अबू को केस वापस लेना पड़ा था। और आज ऐसा क्यों करता था वो बोलता था कि मुझे उससे शादी करना है, बोले मैं इतना बदनाम कर दूंगा, इतना उसको टॉर्चर करूंगा, बोले उसकी वीडियो वायरल कर दूंगा, जो कॉल वायरल कर दूंगा, वो टॉर्चर करके बोले उससे शादी करूंगा, बोले और शादी करके बोले उसको मार डालूंगा, बस उसका यही मकसद था कि शादी करके। हाँ, हम लोग जाफरनगर में कंप्लेन भी किए थे, तो लोग ने इतना मेरे अब्बू को परेशान कर दिए थे कि अगर केस नहीं वापस ले तो बोले तुमको पूरी गली में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, पूरी पब्लिक जमा हो गई थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से गुंडे आए थे, और मेरे अब्बू को धमका रहे थे कि केस वापस ले ले, एकदम मेरे अब्बू की कॉलर तक पकड़ लिए थे, इसलिए हम लोग को केस वापस लेना पड़ा। पुलिस वाले क्या बोले? पुलिस वाले आए थे तो लोग, उसने उनके बेटे को यूपी भगा दिए थे। बाकी तुम्हारे इधर पुलिस वाले आए थे? नहीं, फिर हम लोग ने केस वापस ले लिए थे, यही डर से अभी भी भगा देंगे लोग, बोलना हम उठाएंगे नहीं, बोलना चला जाए, बहुत ज्यादा परेशान किया, बस मुझे इंसाफ होना, उसका पूरा घर मुझे अंदर चाहिए, मेरी बहन चले गई, मेरी बात इतनी सीरियस है, उनको कुछ हो गया तो फिर, एक तो हम तीन बहन भाई थे, एक ही बहन थी मेरी, उसको भी इतना परेशान किया था, उसने उसको सब पता था, इतना सताते है, उसको ये भी पता था कि उसको झटका है, उसकी वजह से उसके घर पे भी गए थे, तब भी पीछा नहीं छोड़ता वो उसका, आखिर तो मार ही डाला उसने, मर गई वो आज। मुझे बस इंसाफ होना, और मेरी माँ को अगर कुछ हुआ ना तो उन लोग को एक को भी नहीं छोड़ना, मेरी अम्मी भी बहुत ज्यादा सीरियस है।
3 साल हो गए, 3 साल से ज्यादा ही हो गए, इतना परेशान कि हम लोग कल ही झेल रहे हैं। और हम लोग इसलिए चुपते, सारे कितने गुंडे गांव गांव से आ जाते और पता नहीं इतना धमकाते, बहुत ज्यादा धमकाते, पूरा घर गुंडे से भर जाता। हम लोग रास्ते में भी चलना मुश्किल हो गया, हमें कहीं भी रास्ते में जाते तो रास्ते में पकड़ते, डर लगते कि इधर से मार डालेंगे कि उधर से, घर से निकलो तो डर लगते कि घर पे मेरी अम्मी को ना घुस के मार दे। तुमको ही परेशान करते कि महल्ले में किसी और को परेशान करते? सिर्फ हम लोग को ही परेशान करते। हद तक मेरी अम्मी, मेरी बहन अभी इतनी सीरियस थी, वो गली में पता चला, पता नहीं है कौन कुरेशी है, वो क्या बोलता, बोले नाटक कर रही, बोले वो बहुत ज्यादा नाटक कर रही, बोले मैं जाता दवा खाने में, बोले गीली लकड़ी करूंगा और 2 लकड़ी मारूंगा तो बोले उठ के बैठ जाएंगे। अब उठा बोलना मेरी बहन को, उठा के दिखा, अब मर गई, उठा बोलना ही तीन बातें तो जब नाटक लग रहा था। कुरेशी का नाम कुछ, कुरेशी का नाम मुझे नहीं पता, खटकी बोलते उसको, पता नहीं उसका नाम मुझे।